हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम पढ़ेंगे मास एंड वेट। तो मास और वेट क्या होता है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं कि मास और वेट क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं मास, यानी कि कोई भी बॉडी में कितने क्वांटिटी ऑफ मैटर है, कितने क्वांटिटी ऑफ मैटर से मिलकर वो बॉडी बनी हुई है, उसे क्या बोलते हैं मास। सो मास ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। ओके, उसके बाद बात करें तो मास ऑफ बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी कि अगर मास आपका अर्थ में है 60 kg, तो वो आप मून में भी चले जाओगे तब भी 60 kg रहेगा। अगर आप किसी दूसरे प्लेनेट में भी चले जाओगे तब भी आपका मास कितना रहेगा, 60 kg ही रहेगा। बट आपका वेट क्या होगा, चेंज होता जाएगा, क्योंकि वेट ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। वेट की बात हम बाद में करेंगे। उसके बाद बात करते हैं वेट की। सो वेट क्या होता है भाई? वेट वेट मशीन के में जाते हैं, वेट करवाते हैं, क्या वो वेट होता है? नहीं भैया, वो तो मास होता है। तो वेट क्या होता है? वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। यानी कि वेट क्या है? एक फोर्स है, जिस फोर्स से कोई भी बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। ओके, उसके बाद बात करें तो W इज इक्वल टू एम इंटू जी, यानी कि वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, चेंज होती रहती है। हाइट के साथ भी चेंज होती है, डेप्थ के साथ भी चेंज होती है। किसी दूसरी प्लेनेट पे जाते हैं तो ग्रेविटी कुछ और होती है। एंड वेट ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि वेट क्या होगा, प्लेस टू प्लेस चेंज होगा। इट डिपेंड्स ऑन अ वैल्यू ऑफ जी, यानी कि वेट किस पे डिपेंड करेगा, जी पे डिपेंड करेगा। वेट ऑफ अ बॉडी ऑन अनदर प्लेनेट विल बी डिफरेंट, यानी कि हर एक प्लेनेट में वेट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। सो यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स अबाउट वेट एंड मास। सो यहाँ पे हमने बात करी मास और वेट की। तो मास और वेट में आपको याद क्या रखना है? सो मास इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट, यानी कि किसी भी बॉडी में कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन है, कितने क्वांटिटी ऑफ मैटर से वो बनी है, वो क्या होता है, मास होता है। मास रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो किसी भी बॉडी का जो मास है वो हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि प्लेस टू प्लेस वो चेंज नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या कांस्टेंट रहेगा, मास रहेगा। मास की एसआई यूनिट की बात की जाए तो इसका एसआई यूनिट तो क्या होता है, केजी। और वेट की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और न्यूटन किसको बोलते हैं, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही तो हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। सो न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट एंड केजी इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। सो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। एंड वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, वेट कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और मास कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। सो डायरेक्शन किधर होगी, वेट की डायरेक्शन टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो जी जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में वेट की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। सो ये बेसिक बेसिक बातें हैं मास और वेट के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं मास और वेट के बीच के कुछ कॉमन से डिफरेंस। सो फर्स्ट डिफरेंस ये कहता है कि मास ऑफ द बॉडी डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। और वेट की बात करें तो वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विथ विच इट अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का जो सेंटर है वो किसी भी बॉडी को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है वही क्या होता है, वेट होता है। सो वेट इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी। ओके, एंड हियर डब्ल्यू इज द वेट, एम इज द मास, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डब्ल्यू इज एसआई यूनिट न्यूटन,
इसका होता है आपका केजी, इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। सो मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड डिड नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि मास ऑफ द बॉडी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होगी। अगर वेट की बात करें तो वेट क्या होगा, प्लेस टू प्लेस चेंज होगा, और ये किस पे डिपेंड करता है, तो स्मॉल जी पे डिपेंड करता है, और हर एक प्लैनेट में वेट क्या होगा, डिफरेंट होगा। एंड वेट इज मेजर्ड बाई पैन बैलेंस, तो पैन बैलेंस की हेल्प से क्या करते हैं, हम वेट को मेजर करते हैं, वही सॉरी मास को मेजर करते हैं, वही हम वेट को किससे मेजर करते हैं, तो स्प्रिंग बैलेंस से। ये न्यूटन में रीडिंग होती है और इसमें केजी में रीडिंग होती है। यूनिट ऑफ मास इज केजी एंड द यूनिट ऑफ वेट इज केजी वेट और न्यूटन। ओके, एंड मास ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी जीरो, यानी कि किसी भी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता। अगर मास जीरो हो गया किसी बॉडी का, तो उसका मतलब एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अगर वो बॉडी एग्जिस्ट करेगी तो उसका कुछ मास होगा। बट द वेट ऑफ बॉडी कैन बी जीरो, क्योंकि एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंस वेटलेसनेस इन स्पेसशिप। तो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेसशिप में क्या करते हैं, वेटलेसनेस क्या करते हैं, फील करते हैं। एंड लास्ट वन इज मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेयर वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है आपकी मास, और वेक्टर क्वांटिटी क्या है यहाँ पे, तो वेक्टर क्वांटिटी है आपका वेट। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ एंड मून। तो अगर कोई भी बॉडी है, मास कितना है भाई, तो मास है 10 kg, तो इसका वेट आपको बताना है कहाँ पे, मून पे, और इसका वेट आपको बताना है अर्थ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी अर्थ पे इसका वेट क्या होगा। तो हमने अभी बताया वेट W इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो मास कितना है आपका 10 इनटू जी कितना होता है 9.8, तो ये कितना आ जाएगा आपका 98 न्यूटन। सो दिस इज द वेट इन अर्थ, ये कहां पे हो जाएगा, वेट इन अर्थ। यही अगर हम वेट इन मून पे बात करें तो ये कितना हो जाएगा, चाहो तो आप डिवाइड बाय 6 कर दो, या मास इनटू जो मून पे ग्रेविटी होती है वो अर्थ की कितनी होती है, जी बाय 6। तो यहां से आप 10 × 9.8/6 यानी कि 98/6, तो यहां से कितना आ जाएगा आपका 6 × 1 = 6, ये आया 3 और 8, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 6 = 36, उसके बाद 2 और 0, 6×2 = 6, उसके बाद 3 = 6, तो 6×3 = 18, सो 16.3 न्यूटन। सो दिस इज द वेट इन मून एंड दिस इज द वेट इन अर्थ। सो आई होप कि ये छोटा सा सिंपल सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको फाइंड आउट करना है वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 25 kg एट अर्थ एंड मून। ओके, सो यू हैव टू फाइंड दीज टू थिंग्स। ओके, द मास ऑफ अ बॉडी इज मेजर 12 kg ऑन अर्थ, व्हाट इज द मास ऑन द मून। अगर 12 kg है, किस पे मास है कितना, 12 kg, तो किस पे भैया, अर्थ पे,
तो ये मून पे इसका मास कितना होगा? ओ माय गॉड, यहाँ पे तो मास की बात की गई है और मास तो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता, प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता, यानी कि जो मास है वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो चाहे आप कहीं पे भी ले जाओ इसको, ये कितने का रहेगा, 12 kg का रहेगा। सो आप कंफ्यूज होके आप इसको 12/6 करके 2 kg मत लाना बच्चा, नहीं तो ये आपका गलत हो जाएगा। ओके, तो ऐसी गलती नहीं करनी, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है फिर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सो आई होप कि आपको ये मास एंड वेट बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फ्री फॉल एंड मोशन। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।